मारिया वास्ती ने मुझे हमेशा बतौर एक्ट्रेस इम्प्रेस किया है बहुत कम एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस ऐसे हैं जो अपनी शख्सियत को अपने किरदार पर हावी नहीं होने देते इज आल्सो अ मिस्ट्री अबाउट मारिया वास्ती तो मारिया वास्ती कौन है बट अभी मेरे नाम से एक ट्विटर uh, अकाउंट बना हुआ है समथिंग मारिया वास्ती या जस्ट आई यूजुअली लाइक डूइंग नथिंग को गालियां पढ़नी अरे क्यों लाइक like, अगर आप विश कर देंगे तो उससे आपका ये मेरा इस्लाम तो खतरे में नहीं पड़ सकता बहुत सारे ऐसे काम है लॉन्ग लिस्ट जिनको मैं दोबारा नहीं करूंगी और मैं दोबारा नहीं करूंगी तो मैं आपको क्यों बताऊंगा सारे राज तो ना आप पास कराएं। कौन है आ... गुड क्वेश्चन uh, इसका जवाब मैं भी ढूंढने uh, की कोशिश कर रही हूँ दैट हु इज मारिया जहाँ तक आइडेंटिटी का ताल्लुक है तो शायद वो तो अगर आपने आईडी कार्ड पे देखनी है या एफआईआर दर्ज करानी है तो उसके लिए तो यू नो आई कुड बी दैयद मारिया वास्ती और ड्रेस एंड बिलोंग टू लाहौर और पाकिस्तान इज अड क्वेश्चन अगेन और बोलिया की जाना मैं कौन <laughs> uh, यही इसका एक सही जवाब है या एप्ट आंसर है बिकॉज ये वो जर्नी है या क्वेस्ट है जिस विच इज एन नेवर एंडिंग जर्नी और क्वेस्ट और इसका जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा ये मुझे नहीं पता लेकिन ये मैं जानती हूं कि मुझे नहीं पता है बहुत सारी चीजें अपने बारे में द मोर आई ट्राई टू नो द मोर आई गेट टू नो that i don't know anything and uh, but uh, i've also seen that uh, a lot of people around us they they know everything they know who they are they know who other people are they know everything but uh, the more i want to know the more i know that <laughs> i don't know anything uh, honestly pata Patani chala वक्त इतनी तेजी से गुजरता है पता नहीं जिंदगी आपको गुजारती है या आप जिंदगी को गुजारते हैं या आप यू uh, सो so, कुछ भी कर रहे हो या कुछ ना कर रहे हो वक्त uh, का आजकल पता ही नहीं चलता है आई थिंक हर एक की uh, जिंदगी में जो मराहल तो आते हैं ना इफ यू वॉन्ट टू गेट समवेयर मुझे लगता है कि मैं I was so um, uh, engrossed and focused on my work uh, and the long hours uh, that, uh, I mean, कुछ अरसा तो पता ही नहीं चला। It was a, it's kind of a blur. Uh, and उसी में, you know, चलते-चलते चलते, यहाँ तक आ गए हैं और आगे कहाँ तक जाना है? ये मुझे नहीं पता I'm not a very good planner. I don't plan things because whenever I plan, it just doesn't happen.

And, uh, इसी तरह पहुंच गए यहाँ तक देखते हैं आगे कहाँ जाना है कामयाबी अब अगेन क्वेश्चन कि आप कामयाबी किस चीज को कहते हैं छोटे छोटे चैलेंजेस भी होते हैं आपकी लाइफ में जो आप अबूर करना चाहते हैं जिनको आप uh, अगर अबूर कर लें या उनको हासिल कर लें तो वो भी कामयाबी है और एक कलेक्टिव ओवरऑल कामयाबी है और मेरे ख्याल में वो उन छोटे छोटे चैलेंजेस या फाइट्स को विन करके ही या ओवरकम करके ही बनती है आई डोंट नो व्हाट इन यूजुअल टर्म्स आप सक्सेस को कहेंगे बट Uh, as a person, I I, I feel that uh, what you become over a period of time, and uh, also realizing uh, how to deal uh, to deal with things around you, to adapt to things, uh, yes, sensitively, unko feel karna. I feel that uh, one of the, one of the things is that, say uh, माइल स्टोन uh, कह सकते हैं uh, वो ये है दैट आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट आप किसी भी चीज को हासिल करना चाहें किसी भी आप एक्सट्रीम कुछ भी करना चाहें अगर आप उसकी एक्सट्रीम पे चले जाएं तो मुझे लगता है वो आसान है यू नो इफ यू वांट टू बिकम समथिंग इफ यू और यू डू पीएचडी आपने करनी है या मैराथन में लेना है तो आप बस उस पर फोकस हो जाते हैं और आप उसकी एक्सट्रीम पे चले जाते हैं आप लिबरल होना चाहते हैं तो आप उसकी एक्सट्रीम पे चले जाते जो बेन चीज जो मैं टोटली totally एक्वायर तो नहीं कर सकी हूं बट जो हर वक्त मेरे जहन में रहती है वो ये है दैट द द एफर्ट्स टू बी नॉट बायस्ड हम कहते हैं कि हम जज नहीं करते लेकिन हम हर वक्त जज कर रहे होते हैं कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली एंड समवेयर इन व्हाटएवर गिवन सिचुएशन व्हाइल हैंडलिंग इट टू समहाउ

ना यू विल गो इन सेन योर सैनिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मुझे तो बर्दाश्त कर सकते हैं तो फिर आप डिस हैं इन एनी वे आई फील मेरे लिए ये है कि टू अटेन दैट बैलेंस बहुत सारे ऐसे काम हैं दिस्ट जिनको मैं दोबारा नहीं करूंगी और मैं दोबारा नहीं करूंगी तो मैं आपको क्यों बताऊंगा बिकॉज वो तो बिल्कुल मैंने रेस कर दिए हैं अपने मेमोरी से आई वु से अगर आप जिस चीज को भी मिस्टेक कहते हैं अपनी जिंदगी में गलती कहते हैं वो आप एक दफा करें तो वो गलती है दूसरी तरफ दूसरी दफा अगर आप उसको करते हैं रिपीट करते हैं तो फिर वो आपका डिसीजन है यू नो इट्स ऑल अबाउट तो uh, मैं ये समझती हूँ कि आप गलतियां करें उनको दोहराएं नहीं और नई गलतियां करें थोड़ी तो जिदत होनी चाहिए शुड बी यू नो मेकिंग न्यू मिस्टेक्स हाँ रिकगनाइजिंग uh, पीपल uh, अगर आप किसी को रिकगनाइज कर लें कि भाई दिस इज बैड एनर्जी फॉर मी एंड मुझे इन चीज इस भाई धोखा खाऊंगी मैं लेकिन इससे धोखा नहीं खाना दोबारा यू नो तो वो uh, है कि मैं फिर उन जगहों पर या उन लोगों को uh, से मैं आस्ट डिस्टेंस माई सेल्फ और ऐसे लोग हैं uh, दोबारा मिलिपुलेट होके उन्हीं सिचुएशन में चला जाना आई थिंक दैट वुलिस तो इस तरह के कुछ चीजें हैं uh, जो मैं रिपीट नहीं करूँगी अब सारे राज तो ना आप पास कराएं <laughs> और पॉलिटिक्स तो वैसे भी डिप्लोमेसी का नाम है तो फिर डिप्लोमेटिक आंसर देना पड़ेगा सियासत सियासत में इंटरेस्ट समहाउ इफ यू आर अ सोशल सोशल बीइंग तो आप खुद ही उस नेट के अंदर आ जाते हैं आप चाहे भी तो उससे बचकर नहीं रह सकते और खास तौर पे व्हेन हम आप हम लोग पाकिस्तानी कौम जो है वो बहुत यू नो पोलिटिकली जो है वो इंक्लाइंड uh, रहती है आई से और पॉलिटिक्स uh, जो हमारी इर्द गिर्द है वो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आपकी हर चीज पे असर रखती है और शेप अप करती है आपकी सोच को आपकी जिंदगी को आ, सिर्फ ये आटे दाल का भाव नहीं है ये आपकी सोच को और आपके फ्यूचर को डिपेक्ट करती है कि क्या होने वाला है और क्या हो रहा है क्योंकि जो हो रहा है वही आपको आगे दिखाएगा और ओवर पीरियड ऑफ टाइम आप लीजिए जैसे आ, जो एक बेचैनी की कैफियत अगर रहती है या आप देखें अपने देखे, इर्द देख, गिर्द स्कूल बंद हो रहे हैं या आ, इम्तिहान आप आगे कर रहे हैं या आपके पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है और आपका पॉलिटिकल हालात ऐसे हैं जिनके अंदर एक फियर है और आप कहते हैं कि जी बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पे बिजनेसमैन ये कहता है कि जी आ, आ, हालात ऐसे नहीं हैं कि हम यहाँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें तो ये चीजें जो हैं आप सोचे भी और चाहे भी कि इस वक्त मेरी जिंदगी में राइट नाउ दस मोमेंट इफेक्ट नहीं करती बट वो करती हैं एंड uh, आपकी सोच आपका रिएक्शन हाउ यू रिएक्ट टू थिंग्स अराउंड यू वो इससे शेप अप होता है इन एनी केस सो यू कान से दैट सियासत में इंटरेस्ट जबरदस्ती uh, करवा दिया गया हम तो कुछ और करना चाहते थे लेकिन यू uh, नो you know, मुझे कोई सियासतदान पसंद नहीं है और नापसंद नहीं है बिकॉज आई डोंट सी दिफरेंस दे आर मेकिंग एनी वन ऑफ दब कोई अलग से कोई काम करेगा जो नजर आएगा जिसके जिसके मुताबिक मैं जज कर सकू फिर शायद मैं कहूं कि जी ये अच्छा है या वो अच्छा है आई डोंट सी एनी लीडर देयर यू नो somebody a statesman a leader आई डोंट आई डोंट सी दैट सो व्हिच इज सैड अह बहुत सारे ऐसे वाकयात होंगे जो शायद मुझे याद ना हो और और लोगों को याद हो सोशल मीडिया आई थिंक जितनी भी दुनिया में टेक्नोलॉजी है आप उसको कभी बुरा नहीं कह सकते बिकॉज़ इट्स हाउ यू यूज़ इट उस पे डिपेंड करता है तो सोशल मीडिया एंड टेक्नोलॉजी तो अब हफ्तों में चेंज हो रही है एंड व्हिच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग आप खुद देखेंगे आज जिस दौर में हम रह रहे हैं इससे बेहतरीन दौर सुविधाओं के लिहाज से एंड अदरवाइज एज वेल पिछला तो नहीं था ना या उससे पिछला नहीं था तो वी आर लिविंग राइट नाउ ब्रीदिंग इन द बेस्ट टाइम्स

एट दैट टाइम हमारी फिल्म uh, इंडस्ट्री बहुत एक्टिव होती थी टेलीविजन you know, you know, तो uh, मुझे एक बात बहुत पहले uh, समझ आ गई थी लर्न फ्रॉम इट दैट जब आप um, कोई खबर आती है खबर आती है और आप उसको रिफ्यूट करते हैं तो आप वो सिलसिला शुरू कर देते हैं कि अब आपने एक बात की है अब आपने उसका जवाब दिया है दूसरी तरफ से जवाब आएगा तो ये सिलसिला uh, क्योंकि फेमस और इनफेमस बोले कि वो लकीर जो है वो खत्म हो गई है अ uh, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा अ uh, उसके लिए ज्यादातर यू नो जस्ट टू बी देयर यूज होता है तो अगर uh, क्या फर्क पड़ता है इधर बात हो गई एटलीस्ट योर इन द न्यूज़ सो आई लर्नड इट लॉन्ग टाइम बैक के अपने आप को इस बात से अफेक्ट नहीं करना अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल आई विल नॉट बी एबल टू सस्टेन आप जस्ट फील्ड में हैं आप आ, को पता है कि ये साथ साथ चलेगा और जाहिर है वो बढ़ता गया अब इस हद तक आ गया है कि बिल्कुल हम लोग आ, पहले हम बात करते थे इंटॉलरेंस की अब तो खैर हमने हदे ही पार कर दी हैं हर किस्म की कि आप इस हद तक चले जाएं कि आप खुद महफूज ना रहें मैं ऐसा कोई काम ना करूँ ना कि जिससे मैं दूसरे को इतना इंस्टिगेट कर दूं कि मैं अपने आप को भी और अपनी फैमिली और सबको एक खतरे के जोन में ले आऊं हम हमें वो हदें ही नहीं पता है हमने उनको अबूर कर लिया है so, सो अब सबको सबसे खतरा है और एवरीबडी इज इनसिक्योर आपको आपके मजहब में बल्कि हर मजहब में यही सिखाया जाता है कि भाई uh, आपकी जबान और हाथ से दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए बट uh, आप कहते हैं कि ये मेरा हक है आई कैन से मैं कोई भी इल्जाम लगा लूँ वो बाद में प्रूव हो एविडेंस हो ना हो इल्जाम लगा दू और uh, फिर मैं बैठ के तमाशा दे अब आप कम लाइक like, के जो तरीके बदल गए हैं

और टू ईच अ जोन एंड ना मैं ज्यादा इंडल्ज करना चाहती हूँ ना मैं अपने अपना सुकून खराब करना चाहती हूँ एक्टिंग के अलावा आई 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 हैव टाइम यू नो बहुत बहुत सारी चीजें डिपेंडिंग ऑन माय मूड लाइक टू ट्रैवल बट यूजुअली आई लाइक

जो वॉट यू नो राइट ना एट इन जाहिर है आप पंद्रह सोलह अठारह बीस की उम्र में नहीं जानते थे वो तजर्बा तो करके ही आपको उस तक पहुंचना है इस लेवल तक पहुंचना है दैट यू यू नो नो इट सो वो जो है जब तक आप उस सारे रगड़े से नहीं गुजरेंगे लाइफ से नहीं गुजरेंगे तो लाइफ इज अ प्रैक्टिकल थिंग थियोरी तो है नहीं तो एवरीबडी uh, दैट आई थिंक टू ईच ओन आप uh, बहुत इतने ज्यादा लोग यू you नो know, नसीहतें ना ही करें या मशवरे मुफ, दूसरा बता के फिर वो ही काम करे तो मैं नहीं uh, दूंगी बिकॉज यू हैव टू मेक यूर ओन डिसीजन और पावर टू मेक दैट डिसीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हम चीन भी लेते हैं एक दूसरे से बिकॉज आई एम स्टेलिंग यू टू और लॉजिक भी नहीं बताते तो फिर आई मीन इट और हमारा एजुकेशन सिस्टम भी सपोर्ट नहीं करता सवाल पूछने को आपको कह दिया। तो बस ये कह दिया है तो ये करो सो बट आई फील इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट सवाल पूछना जो है ना दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिएटिविटी इज क्वेश्चन मार्क्स नॉट द आंसर और ये मेरे ख्याल है हमारी एजुकेशन uh, सिस्टम में लैकिंग है और ये ये एक्चुअली नॉट इवन द एजुकेशन सिस्टम हमारे माशरे में लैकिंग है तो मुझे किसी को कोई मशवरा नहीं देना मुझे किसी को कुछ नहीं कहना और ना नसीहत करनी है <laughs> मैं घर के सारे काम करवा लेती तो ये सबसे बड़ा काम <laughs> खाना पकाने के अलावा सब कुछ घर I mean, I uh, के, के सारे काम प्रॉपरली करवा लेती हार्ड जॉब आईडी बेहतर है uh, मुश्किल है कभी, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अगर काम अपने काम पे हूँ तो वो ज्यादा आसान है घर पे रहना कहीं तो ज्यादा मुश्किल हो जाता है बिकॉज दिस इज मच मोर वर्क एट होम मेरी टू तो डू लिस्ट कभी खत्म नहीं होती बिल्कुल याद नहीं है मुझे um, a, a का चेक होगा ऑफ ऑफ थाउजेंड, या आई टीचिंग जो इंग्लिश लैंग्वेज बोलना है वो, उसका भी कोई इसी किस्म का ही चेक होगा बट या बट आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने वो कहाँ उड़ाया था उड़ाया ही होगा बट आई डोंबर क्या किया था सब uh, कुछ भी नहीं कर, कर बदतमीज नहीं कर सकते किसी को डाल नहीं सकते लाइक हाँ आई मीन लाइक एक तो आई डोंट मच बट या कोई आप पे हमला कर देगा या वो बट इट्स जस्ट कि आपकी प्रिवेसी होती है ना मैन यू जिस हालत में भी आप चले गए बाजार चीजें खरीदने या ग्रोसरी करने समथिंग यू कैन डू इट बट एक आपको होता है कि यू बिंग वॉच नॉट इन नॉट इन अ बैड वे एट ऑल बट कभी कभी वो आपको अनकंफर्टेबल लगता है यू कुड बी इन अ बैड मूड आप अगर जेनुअनली एक इंसान होने के नाते बुरे मूड में है तो वो आ, uh, वो याद रहेगा कि नो no, ये नहीं है कि शी शी इज़ कैन बी यू नो इन गुड मूड और बैड मूड और यू बी वो उनको एक उसी तरीके से वो मेमोरी रह जाएगी तो हाँ इस तरह होता है बट uh, बहुत सारी चीजें बिकॉज यू नो जो आप नॉर्नमस होने के चक्कर में कर सकते हैं बट uh, वो आप uh, यहाँ पे होते हुए नहीं कर सकते इसी तरह um, there are a couple of uh, things in the pipeline uh, but kyunki abhi cheeze final nahi hai so i i can't say uh, life in itself is a huge project and um, just

अगर मुझे सूट करती है अदरवाइज अदरवाइज uh, you know, okay. बहुत सारे यूजली uh, तो आप भुलाने की कोशिश करते हैं जैसे यू you नो know, कहीं आप बहुत यू you नो know, जा रहे हैं और आप यू नो आई कैन बी वेरी क्लमजी ये टेबल शेबल में जरूर मुझे चोट लगती है कहीं ना कहीं और uh, याद नहीं रहती uh, तो कोई आपके सामने वा, वा, होता है इस तरह की कोई आपसे रिकगनाइज करके बात कर रहा है और आप बिल्कुल आपको याद नहीं आ रहा है ये मेरे साथ बहुत दफा हुआ है या किसी के साथ अगर आपकी कोई, कोई 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 अनबन हो गई है तो मैं भूल जाऊंगी और उससे जाके उसी तरह मिल लूंगी जैसे मैं नाराज नहीं हूँ ये भी मेरे साथ होता है आई मीन यू नो आई जस्ट आई जस्ट फर्गेट या या किसी से बात कर ली ये सोच के कि ये तो वो बंदा है और वो वो बंदा या बंदी नहीं है और वो हैरान है कि मैं उनसे क्यों बात कर रही हूँ तो दिस हैज ऑल्सो हैपेंड सो इस तरह की चीजें होती रहती हैं कई दफा हुई हैं और मुझे लगता है कि होती रहेंगी <laughs> आ, I'm not a morning person at all. तो अगर मुझे आ, काम करना है मैं उठ उठ जाऊंगी लेकिन सुबह मेरा मूड बहुत खराब होता है काफी देर तक खराब ही रहता है आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं you know, आ, To be a morning person, कि कितना अच्छा है सुबह सुबह उठ के बालकनी में खड़े होकर समंदर को देखते हुए कॉफी पीना है लेकिन नहीं आई एम नॉटर्निंग रात आठ बजे भी सो जाऊँ रात के लेकिन मैं आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन इस चीज को अब मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूँ तो अगर कभी uh, मुझे कामयाब नहीं इट विल बी मेरिकल इफ आई स्टार्ट लाइक गेटिंग अप इन द मॉर्निंग बर्दाश्त लोग वो हैं जो uh, uh, जिन पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते for anything. कोई बड़ी चीज का होना कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपका उनके साथ होना जरूरी नहीं है इन रियल लाइफ इफ यू चाहे वो दुनिया के सबसे ज्यादा टैलेंटेड हो या अमेजिंग कोई उसके अंदर स्किल भी हो और मुझे उस स्किल की और उस काम की जरूरत भी हो तो आई रादर नॉट बी विद पर्सन हुपेंडेबल जो गायब हो जाते हैं या अपनी कमिटमेंट को पूरा नहीं करते या जो उन्होंने कह दिया है किसी से वो उस चीज को पूरा नहीं करते या उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है आई ड्रादर बी विद ऑर्डनरी लेस स्किल्ड और टैलेंटेड अगर आप कहना चाहे लोगों के साथ लेकिन पीपल हुई देम then be, be with somebody who's in um, in 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 my work, in my work life in every relationship uh, वो मुझसे अब आप उसको मिलिपिलेशन कह लें गायब होना कह लें व्हाट एवर इन दैट कैटेगरी जो लोग आते हैं वो मेरे लिए आई डोंट वॉन्ट दम इन माई लाइफ किसी से भी नहीं? Um, actually लाइक like, to pinpoint one person that I want to meet, नहीं uh, I can't think of any one person, but jinko आप uh, jinko jinko bhi history in whatever capacity bada likhti hai ya jinka लाम for whatever reason history में आता है या history को बनाने या change करने में या तबाह करने में आता है, I would uh, if I had the opportunity I would want to see them in their element. I don't want to meet them as per se, but, you know, to see them in their elements, doing what they do, uh, impacting lives, or, you know, just sitting with their friends and having a conversation. Uh, I would like to see that and be, just to observe, just to listen. Because uh, big people big things. they impact is a But, uh, जस्ट टू फीड ऑफ दैट सबसे अच्छा उसके बाद मुझे कभी कोई और ड्रेस पसंद नहीं आएगा ऐसा ड्रेस समथिंग विच इज विच एनहान विच इज स्टाइलिश इनऑफ टू एनहानस माई पर्सनैलिटी लाइक वो ड्रेस इतना अच्छा हो कि वो ड्रेस अच्छा लगे ना बल्कि मैं उसको पहनू तो कम्फर्टेबल हो और uh, person, आपकी को एनहांस करेज बट इट है फ ऐसा होता है दैट यू वेयरिंग समथिंग टोटली अनकम्फर्टेबल and बट uh, you right doing your work uske andar aisi cheeze bhi aa jati hain ke aur होता है यू you know din mein aap हमारे काम में अगर नफरत हो जाती है घर में जब आपकी छुट्टीबल टी शर्ट एंड यू डोंट वॉन्ट टू चेंज एंड यू डोंट के आपको कोई ये कहें आप कोई आ रहा है या आपने कहीं जाना है यू you नो know, इतना वो हो जाता है कि बस दूर रहे तो हालत खराब हो जाती है सो एनी थर्टेबल Uh, like <laughs> मुख्तल होता है like, ऐसा कोई है जो कहकर नहीं nah, nah, मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार और मैंने ये तीन चार नई गालियाँ सीखी हैं इट इज जस्ट अनएक्सेप्टेबल और बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि ये पॉलिटिक्स के थ्रू ये कल्चर Uh, आप इल्जाम दे दें जितना मर्जी सोशल मीडिया को बट इट uh, और इसको शेयर भी दी जाती है कहीं से कहीं ना कहीं से uh, तो तभी ये चीज uh, जो है परवान चढ़ती है या सामने आती है इट इज जस्ट अनएक्सेप्टेबल हम समझते हैं कि फेक नामों और फेक प्लेटफॉर्म्स के पीछे बैठकर आप ये अब एक पूरी जनरेशन को खराब कर रहे हैं आप किसी को दिवाली या होली विश कर दें किसी को क्रिसमस कह दें तो आप को गालियां पढ़नी अबे क्यों लाइक like, अगर आप विश कर देंगे तो उससे आपका ये मेरा इस्लाम तो खतरे में नहीं पड़ सकता और आ, आपके मजहब ने तो हर, हर एक को प्रोटेक्शन दी है टू तो प्रैक्टिस देयर आपके तो झंडे के अंदर वाइट हिस्सा ही माइनॉरिटीज का एंड वी नो हाउ वी ट्रीट देम हम अपने आप को जिस तरह ट्रीट करते हैं वही इन टॉलरेंस है ही नहीं हम में दूसरे की बात सुनने में क्या प्रॉब्लम है आई विल नॉट एग्री विद यू एंड यू विल नॉट एग्री विद मी फाइन बट मैं मुझे आपको सुनने में से क्या प्रॉब्लम है कि मैं सुन लूं आपका पॉइंट ऑफ व्यू सो आई मीन इट्स 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 वेरी स्केरी इट्स वेरी स्केरी बहुत <laughs> बहुत अब तो um,

तो 98% ऑफ द टाइम मैं कभी लेट नहीं होंगी आई आई बी इन टाइम ऑन टाइम जहाँ पे भी पहुंचना है मैं वहाँ 10 मिनट इंतजार कर सकती हूँ बट यू नो आई डोंट वांट टू बी लेट पसंदीदा इसके बाद मुझे कभी कोई और तस्वीर पसंद नहीं आएगी वो आई <laughs> थिंक uh, वो हम सबकी होगी कायदे आजम की नोट पर या जो डॉलर के ऊपर जिसकी तस्वीर है या पाउंड पर जिसकी तस्वीर है आई थिंक वो ही तस्वीर है आजकल जो है सबसे ज्यादा सबकी पसंदीदा है वो और नापसंदीदा तस्वीर मैं अपने पास क्यों रखूंगी और अगर मुझे पसंद नहीं है तो मैं आपको क्यों दिखाऊंगी